स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। बहुत टाइम हो गया था, ट्वेल्थ का कोई टेक्स्ट नहीं डाला, कोई चैप्टर नहीं डाला, तो इसी के साथ मैं हाजिर हूँ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी को लेके। बहुत मार्मिक कहानी, बहुत अच्छी कहानी, मेरे फेवरेट चैप्टर्स में से एक है ये। ट्वेल्थ क्लास में जो लगा हुआ है टेक्स्ट, उसमें से खुशवंत सिंह जी ने लिखा है और बहुत ही अच्छा लिखते हैं। बहुत आज के सोसाइटी के एक स्थिति को दर्शाते हुए कि किस तरीके से समय के साथ हम हमारे जो दादा दादी होते हैं, यानी वृद्ध जो होते हैं घर के, उन्हें किस तरीके से हम उन्हें एकांत में रहने पर मजबूर करते हैं और किस तरीके से वो अपने उस एकांतपन को जीते हैं और किस तरीके से वो फिर छोड़कर हमें चले जाते हैं, वो पूरी एक कहानी है। किस तरीके से बयां की गई है, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत बढ़िया तरीके से खुशवंत सिंह जी ने इसको लिखा है। और आपको मैं फुल्ली एक्सप्लेन करूँगा इसको हिंदी में, मतलब पूरा हिंदी ट्रांसलेशन मेरी लैंग्वेज में आपको इस चैप्टर का मिल जाएगा अभी आने वाले कुछ क्षणों में। तो मैं बताऊँ इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। देखो, मेन जो कैरेक्टर हैं वो है एक तो राइटर हमारे, जो आई से रिप्रेजेंट करूँगा मैं, यानी जहाँ जहाँ भी मैं बोलूँ मैं, वहाँ पर आपको समझना है राइटर बोल रहा है। एक है दादी माँ, ग्रैंड मदर, और कुछ माइनर कैरेक्टर्स हैं जिनको मैं आपको कहानी के अंदर ही बता दूंगा, जैसे कि उसके माता पिता हैं जो शहर में रहते हैं। तो भाई कहानी शुरू करते हैं हमारे राइटर की। हमारा राइटर एक जब छोटा बच्चा था भाई, तब की कहानी वो बताता है। वो कहते हैं, हमारे राइटर कहते हैं कि मेरी दादी माँ थी, जैसे कि हर एक बंदे की दादी माँ होती है, ठीक है, और सब जानते हैं हर एक बंदे की होती है। तो मेरी दादी माँ बहुत अच्छी थी, हाँ सुंदर थी वो आंतरिक रूप से, मन से, भले ही वो शरीर से सुंदर कभी नहीं होती, लेकिन मुझे अच्छी लगती थी, ऐसा वो कहते हैं। कि लोग बात कहते थे किसी ज़माने में मैं दादी जो थी बहुत अच्छी सुंदर दिखाई देती, तो मेरे को विश्वास नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मैंने दादी को जब से देखा, जब से मैंने देखा था, वो थोड़ी सी झुकी हुई और थोड़ी सी मोटी गोल मटोल और झुर्रियाँ चेहरे के ऊपर, और मतलब बिल्कुल सफ़ेद बाल हो चुके थे, बिल्कुल भी वो सुंदर ऐसे शरीर के हिसाब से देखे तो नहीं लगती थी, लेकिन हाँ मन से और स्वभाव में, नेचर में वो बहुत अच्छी थी। तो उसमें बताया गया, उनको उनके लिए कहा जाता था कि किसी ज़माने में उनके पति हुआ करता था, यानी ग्रैंड फादर मेरे, जो एक मेंटल पीस के ऊपर फ़ोटो लगा रखा था। जब मैं उस फ़ोटो को देखता था तो उस फोटो के अंदर एक आदमी जो लगता नहीं था कि कभी उसके पति या बेटे रहे होंगे, वो तो लगता था कि इतना बूढ़ा लगता था कि इससे ज़्यादा बूढ़ा हो नहीं सकता था वो, और कह सकते थे कि बस बहुत सारे उसके पोता पोती हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही दादी माँ के साथ भी था। दादी माँ के लिए मेरा कभी विश्वास नहीं होता था कि वो कभी जवान रही होंगी, ठीक है। और अक्सर मेरी दादी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, जो गेम्स वो खेलती थी बचपन में वो बताया करती थी, ठीक है। अब आगे की कहानी मैं शुरू करता हूँ, थोड़ा बेसिक मैंने प्लॉट क्रिएट किया, किस तरीके से ये फ्रेंडशिप टूटेगी देखना, दादी और पोते की फ्रेंडशिप कैसे टूटती है, यही कहानी का मार्मिक क्षण है। तो शुरू करते हैं भाई। जब ये छोटा था तो इसके माता पिता, यानी हमारे राइटर के माता पिता, उसे अपनी दादी के पास छोड़कर चले गए। दादी रहती थी एक गांव में, छोटा सा गांव था, कमरा था, हाँ रूम था इनका, और एक स्कूल था, स्कूल मान लो, और ये टेम्पल है, ये स्कूल है, दैट इज़ द टेम्पल एंड दैट इज़ द स्कूल। क्यों? पहले के ज़माने में क्या होता था, जो पंडित होते थे वही पढ़ाते थे बच्चों को, गाँव के बच्चों को। तो भाई इसकी दिनचर्या अब शुरू होती है, शुरू करता हूँ मैं। मेरी दादी माँ मुझे उठाती, नहलाती, धुलाती, और ये सब करते वक्त मेरे को कपड़े भी पहनाती, ड्रेस पहनाती, यूनिफॉर्म, और मुझे स्कूल लेके जाती। इन सब कामों को करते वक्त वह स्कूल के लिए तैयार करती, सॉरी वह प्रार्थना करती रहती थी, और इच्छा रखती थी कि मैं प्रार्थना को मन से लर्न कर पाऊँ, ठीक है ना। लेकिन मैं कभी शब्दों पे ध्यान दिया ही नहीं, मेरे को उसकी आवाज़ अच्छी लगती थी, मैं बस उस पर मजे लेता था, उस आवाज़ के मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर दादी माँ मेरे को मेरी स्लेट, मेरी इंकपोट, रेड पेन, सारी चीज़ें और बत्ती वगैरह मान लो, और ये सब गठरी में बांध के नोटबुक वगैरह सब मेरे को पकड़ा देती थी, एक थैला। और फिर हम करते थे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट काय का होता था,
भाई आप में से कई लोगों ने किया होगा, मैंने तो किया है अक्सर, बासी पे तो नहीं किया, ताजी पे किया है। ताजी रोटी लेना, घी उस पर फैलाना, शक्कर फैलाना और रोल अप करके उसे खाना, बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो ये बासी रोटी जो होती थी उसका नाश्ता करके जाते थे और बाकी जो बासी रोटी थी ये लेके जाते थे अपने साथ। दादी और पोते दोनों स्कूल साथ में जाते थे। क्यों? दादी को जाना होता था मंदिर स्क्रिप्चर्स पढ़ने, मतलब हमारे ग्रंथों को, और मुझे जाना होता था स्कूल में अल्फ़ाबेट वगैरह, पोएम वगैरह, प्रेयर वगैरह पढ़ने। तो हम दोनों साथ में जाते थे, यही रूल था, क्योंकि जितने देर मैं वहाँ पे पढ़ता उतनी देर तक मेरी दादी माँ ग्रंथों को पढ़ लेती थी। जैसे ही हमारा स्कूल फिनिश होता हम दोनों साथ में आते थे, लेकिन जैसे हम स्कूल के गेट से निकलते हमारे स्वागत के लिए खड़े रहते थे ग्रामीण कुत्ते। ठीक है, ग्रामीण कुत्ते जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अक्सर हमारा एक रूटीन था कि हम लोग स्कूल से आते वक्त उन्हें बासी रोटियां डालते थे। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो देखो भैयों, देखो एक टाइमिंग बन जाता है। अगर आप किसी डोगी को या किसी कुत्ते को 6 बजे अगर आप खाना देते हैं, उसे रोटी देते हैं, तो वो फिक्स वहाँ पे आ जाएगा। तो इनका तो एक टाइम रूटीन ही बन चुका था। ये मंदिर से जाते वक्त उनके लिए रोटी लेके जाते थे और वो ऐसे अक्सर गुर्राते हुए रहते थे। ऐसे भाई इनके साल कुछ एक साल ऐसे चले। लेकिन जैसे ही इसके मम्मी पापा, हमारे राइटर जी के मम्मी पापा सेटल हो गए गाँव वहाँ शहर में, तो उन्होंने इन दोनों को, दादी को और पोते को बुला लिया। अब ये इनका टर्निंग पॉइंट था भाई। टर्निंग पॉइंट क्यों था? क्योंकि देखो गांव में तो वो साथ, गांव में बिल्कुल साथ में वो जाती थी स्कूल, लेकिन यहाँ जैसे ही वो शहर आ गए, शहर में आते ही क्या हुआ, शहर में आते एक तो माँ मिल गई, यानी उस बच्चे की माँ, वो उससे थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर देती थी। अब दादी प्रिपेयर नहीं कर पा रही, ठीक है। ऊपर से वो मोटर व्हीकल में जाता था, यानी मोटर कार में, हाँ मैजिक में जाता था बेचारा। इंग्लिश मीडियम स्कूल था तो भाई टेंपल में पढ़ता होता तो फिर भी चल जाती। तो दादी और मेरी फ्रेंडशिप का पहला टर्निंग पॉइंट कहाँ था? जब हमें मेरे मम्मी पापा ने गांव से शहर बुला लिया। तब क्यों? एक चीज़ भले ही साथ में हो रही थी, अभी ये रूम शेयर कर रहे थे, साथ में सोते जरूर साथ में थे, दादी के पास ही सोता था पोता। लेकिन कुछ समय गुजरा, मैं स्कूल जाता था, 2-5-10 दिन गया, फिर मैंने स्कूल में कुछ अब नई चीज़ें, क्योंकि भाई यहाँ पर तो पंडित पढ़ाता था तो एक रिलीजियस एजुकेशन दर्शाती है। देखो जब आश्रम वगैरह में पढ़ते तो एक रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है, लेकिन जब मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा तो वहाँ पर फिर मुझे रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जा रही थी, मुझे इंग्लिश की नॉलेज दी जा रही थी, वेस्टर्न साइंस के बारे में बताया जा रहा था, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज़ के बारे में बताया जा रहा था, ग्रेविटेशन लो के बारे में बताया जा रहा था, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जा रही थी। अब इन चीज़ों को जब मेरी दादी माँ पूछती कि भाई तेरे को स्कूल में क्या पढ़ाया, तो मैं उन्हें जब ये बताता तो वो उदास हो जाती थी। क्यों उदास होती थी? क्योंकि देखो भाई उदास क्यों नहीं हो, क्योंकि बच्चों, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, समझाने के लिए कुछ नहीं है, अपना एक्सपीरियंस काहे से शेयर करें वो, हाँ। तो दादी माँ उदास हो जाती थी और एकांत में रहने लग गई धीरे धीरे वो। अब गाँव में तो कुत्ते थे, उन्हें रोटियाँ देती थी, मतलब उन्हें चपाती डालती थी, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि कुत्ते थे नहीं। आपको पता है शहरों में कुत्तों के साथ क्या होता है बेचारों के साथ, हाँ, उन्हें पकड़ के ले जाते हैं नगर निगम वाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या काम करना, यहाँ पे वो करती थी, उसके छत पे जाती थी, बरामदे में सॉरी, या फिर फर्स्ट फ्लोर की छत पे जाती थी और वहाँ पर वो चलाती थी चरखा और कुछ समय निकालती थी जब वो चिड़ियाओं को रोटी डालती थी। ये काम उसका फिक्स था, ये कभी भी रूटीन उसने नहीं तोड़ा। और एक रूटीन और था उसका, वो हमेशा प्रार्थना करती थी 1% भी अपनी माला को, एक हाथ में माला एक हाथ से सपोर्ट, क्योंकि वो थोड़ी सी झुक के चलती थी, बूढ़े जब होते हैं थोड़ा झुक के चलने लग जाते हैं, तो अपने आप को सपोर्ट देने के लिए वो एक हाथ उसके वहाँ रहता था और दूसरे हाथ में रोजेरी माला रहती थी, जिसको वो हमेशा बोलती रहती थी। और इनऑडिबल, यानी जो अपनी आवाज़ केवल मन में रख सके, वो उसी आवाज़ में बोलती थी मात्र, किसी को सुनाई नहीं देती थी उसकी प्रार्थना, ठीक है। अब क्या होता था भाई, ये स्कूल तक आ गए। अब कुछ दिनों बाद मैं जब बड़ी क्लास में गया, थोड़ी बड़ी क्लास में, तो मैंने घर आकर एक घोषणा की कि भाई मुझे कल से म्यूजिक क्लास भी लगेगी। म्यूजिक क्लास देखो अभी भी कई जगह पर, हमारे यहाँ पर भी सोसाइटी में म्यूजिक, डांस, इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, कला इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। म्यूजिक भाई
तो इनको क्या माना जाता है कि भाई ल्यूड एसोसिएशन, मतलब थोड़ा अजीब माना जाता है भाई, संगठन से दूर माना जाता है इनको, बेगर्स का आधिपत्य माना जाता है म्यूजिक पे, ऐसा अकॉर्डिंग टू दादी माँ। ठीक है, मेरी सोच नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने कहा वहाँ आकर कि भाई कल से हमारी म्यूजिक की क्लास भी लगेगी, तो दादी माँ बिल्कुल बहुत, मतलब उन्होंने कुछ कहा नहीं, बट उन्होंने क्या रिग्रेशन दिखा दिया, रिफ्यूजल दिखा दिया, जिस गुस्सा दिखा दिया, जिससे मुझे पता लग गया था कि उनको मैं पसंद नहीं आया। ठीक है, क्योंकि उनका जो मानना था वो ये मानना था कि भाई इस पे हार लॉट्स का और बेगर्स का आधिपत्य है, मोनोपोली किसकी है, हार लॉट्स और बेगर्स की। तो इससे और वो दूर रहने लग गई मेरे। अब क्या हुआ, थोड़ा मैं बड़ा हुआ तो मुझे प्राइवेसी के लिए मेरा प्राइवेट कमरा मिला। मुझे होता है ऐसा, जब आप एक समय होता है तब तक आपको बड़ों का प्यार अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही एक समय आता है जब आप बड़ों के प्यार को नजरअंदाज करते हो, क्योंकि जब अभी एक बात मानो, कोई 12वीं के बच्चे को जिस तरीके से छोटे बच्चे को रखते हैं, उसे उस तरीके से ट्रीट किया जाए तो 12वीं के बच्चे को पसंद नहीं आएगा, वो गुस्सा भी हो सकता है, करके देख लो। हाँ, जैसे आप छोटे बच्चे करते हो, अरे मेला मुन्ना, हाँ वैसे करके देखो 12वीं के बच्चे को या फर्स्ट ईयर के बच्चे को, हो सकता है कि अगर आप उसके घर वाले नहीं हो तो थप्पा भी पड़ जाए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें पसंद नहीं आती। एक समय आता है ऐसा जब हम किशोरावस्था में एंट्री करते हैं तब, तो भैया मेरे को मेरा पर्सनल रूम मिल गया, तो हमारा जो एक लिंक था वो भी टूट गया। कौन सा भाई, मैं उनके पास सोता था, वो मुझे जगा देती थी, ये लिंक भी गया। अब क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद में वो बिल्कुल अलग थलग सी रहने लग गई, खाना खाती, प्रार्थना करती, चरखा चलाती, चिड़ियाओं को दाना डालती, फिर खाना खाती और सो जाती। ये उसका रूटीन था मेरी दादी का। ठीक है, अब ये करते करते बहुत भाई प्रेम भी बहुत करती थी मुझे, मुझे पता था। अब क्या होता है, मैं थोड़ा और बड़ा होता हूँ, अब मुझे पढ़ने के लिए एब्रॉड जाना पड़ा, एब्रॉड यानी भाई बाहर कहीं विदेश में एब्रॉड जाना पड़ा। अब 5 साल के लिए जाना था, अब उसकी एज, अब देखो आप बूढ़े बुढ़ार मना के तो कंफर्म नहीं है भाई, 5 साल तक जिए नहीं जिए क्या पता, तो उसकी एज के लिए क्रिटिकल एज थी, मैं कह भी नहीं सकता था कि मैं मिलूंगा नहीं मिलूंगा, तो मुझे छोड़ने के लिए वो स्टेशन तक आई। भाई मैं भी दादी माँ के पाँव छूने गया, जब मैं पाँव छूने गया तो उन्होंने मेरे ललाट पर फोरहेड पर चुम्बन दिया, और वो मेरे को ऐसा लगा कि ये हमारी फिजिकल टच का लास्ट है। और उस समय भी वो प्रार्थना कर रही थी, बस प्रार्थना करते करते मुझे मेरे ललाट पर चुम्बन दिया और मुझे जाने को कहा। अब भाई मैंने सोचा कि ये अंतिम फिजिकल टच हो सकता है हमारा, लेकिन मैं जहाँ तक जानता था मेरी दादी को, मेरी दादी माँ कभी भी मुझे ऐसे, मुझे पता था कि वो रहेगी। तो जब मैं आफ्टर 5 ईयर आया तो वो मुझे एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगी। एक और प्रॉब्लम भाई क्या होता है कि एक एज फ्रेम रुक जाता है। कभी आपने एक नोटिस किया हो, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक ही एज के लगते हैं, आपको 10 साल बाद भी मिलोगे तब भी ऐसे ऐसे ही। तो दादी माँ मेरे को एक दिन भी बूढ़ी नहीं लगी 5 साल में। जब मैं रिटर्न आया अब्रॉड से तो वो मुझे 1% भी बूढ़ी नहीं लगी, वैसी की वैसे मैंने उसे वहाँ पाई, और आज भी वह प्रार्थना कर रही थी, मुझे गले लगाया, मैं घर आया। उस शाम को तो हमने उस रात्रि को हमने कुछ भी परिवर्तन नहीं देखे, लेकिन शाम के समय उनके कने क्या हुआ, उस रात्रि को नहीं मतलब उस दिन हमने कोई परिवर्तन नहीं देखे, और शाम के समय उनमें कुछ बदलाव आया। उन्होंने क्या किया, आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा कर लिया, एक टूटा फूटा सा पुराना ड्रम ढूंढ लिया, ढोल, और बजाया। और कौन से सॉन्ग्स बजाए, कौन से गीत गाए, कि जब वॉरियर्स युद्ध लड़कर आते हैं तो जो अचीवमेंट्स उन्होंने हासिल किए, जैसे कोई मैं युद्ध लड़के आया हूँ उसके लिए मुझे मेरे लिए उन्होंने गीत गाए। अब भाई ओवर स्ट्रेन था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी, वो उसका बूढ़ी एज थी, तो हमने उसे मना किया, दादी रहने दे तो बीमार पड़ जाएगी, लेकिन दादी नहीं मानी, उन्होंने और ढोल बजाया, और अगले दिन वही हुआ जो हमने कहा, वो बीमार हो गई। जब हमने डॉक्टर बुलाया तो डॉक्टर भाई आए और डॉक्टर ने कहा कि हल्का सा फीवर अभी चला जाएगा, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ये लो और आप ले लेना। ठीक है, हमने सोचा चला जाएगा, लेकिन दादी माँ ने कहा कि भाई मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में कभी प्रार्थना करना बंद नहीं किया था, अब मैंने थोड़ी सी देर प्रार्थना बंद किया था जब मैं गीत वगैरह गा रही थी, तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी एक समय बर्बाद नहीं करना चाहती, अब मेरे पास जो भी समय बचा है मैं उसमें प्रार्थना करूँगी, और लाओ मेरी माला दे दो मुझे, तो वो माला ले लेती है, और मुझे पता है अब मैं नहीं बचूंगी। तो हमने लोगों ने सब ने उनका विरोध भी किया कि नहीं नहीं दादी कुछ नहीं होगा तुम्हें, अभी तो मेरे पोते की शादी भी देखनी है आपको। ठीक है, लेकिन दादी माँ जानती थी, अक्सर पता लग जाता है व्यक्ति को जब वो उसकी मृत्यु नज़दीक होती है, तो अक्सर उसे पता लग जाता है, तो दादी माँ ने भी निश्चिंत होकर कह दिया कि नहीं मैं नहीं रहूँगी,
और अचानक से वो जो रोजरी थी उसकी निर्जीव हाथों में से उंगलियों में से गिर जाती है और उसके ऊपर उसके चेहरे के ऊपर पीलापन आ जाता है और उसकी लिप्स वगैरह सब रुक जाते हैं और हम समझ गए कि दादी माँ अब नहीं रही। ठीक है, अब गई क्या हुआ, जैसा कि अक्सर होता है अभी कोई भी मृत्यु होती है तो आप जानते हैं थोड़ी देर के लिए शोक मनाते हैं, हमने भी थोड़ी देर के लिए शोक मनाया, उसको बेड से नीचे की तरफ रखा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कस्टमरी है हमारे यहाँ परंपरा है कि हम लोग क्या करेंगे भाई कभी भी डेड बॉडी को पलंग पे नहीं रखते, तो नीचे सुलाया और रेड श्राउड से उसको ढक दिया, क्योंकि क्या होता है कुछ प्रोसेस होती है अलग अलग जगह पर अलग अलग कफन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो रेड श्राउड से ढक दिया और उसे वहाँ पर ढके रखा और हमने प्रिपरेशन की, क्रूड स्ट्रक्चर लाए हम, अर्थी सैया बनाया उसको और उसके ऊपर उसको रखा और उसको वहीं छोड़ रखा था हमने। तो भाई क्या हुआ, उस प्रोसेस में जब हम प्रोसेस कर रहे थे तो बहुत सारी चिड़ियाएं वहां पर आ गई, लगभग हजारों चिड़ियाएं आ गई। इससे पहले चिड़ियाओं की मैं आपको एक स्टोरी पार्ट रह गया मैं बताता हूं, क्योंकि चिड़ियाओं के साथ उनका इतना अच्छा माहौल था कि चिड़ियाओं को वो कभी भी डांटती नहीं थी, भले वो चिड़ियाएं उसके पलंग पे जहाँ पे वो बैठती थी वहाँ उसके शोल्डर्स पे, उसकी पाँव पे, उसके सिर पर, उसके कंधों पर कहीं भी आके बैठ जाती थी ना, तभी वो उनको भगाती नहीं थी, उन्हें रोटी खिलाती थी छोटे छोटे पीसेस करके। ठीक है, अब यहाँ पर चिड़ियाओं के आने का समय था तो चिड़िया आ चुकी थी, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि वह दादी माँ के लिए शायद वो अपना शोक प्रतीत कर रही हो, उन्होंने 1% भी आवाज़ नहीं की, चिरपिंग नहीं की, 1% भी कोई आवाज़ नहीं थी वहाँ पे, और सारी की सारी चिड़ियाँ चुप, और बहुत सारी चिड़ियाँ लगभग मोर देन 1000 दादी माँ की अर्थी के वहाँ पे हम उनको लेके गए, हमने बाहर वहाँ पे जहाँ अक्सर वो बैठा करती थी वहाँ रखी। उसी समय मेरी मम्मी कुछ चपातियाँ लेके आई, उन्हें उसी तरीके से छोटे रूप से तोड़ा जिस रूप से मेरी दादी माँ तोड़ती थी और फेंका उन चिड़ियाओं की तरफ, बट चिड़ियों ने 1% भी ध्यान नहीं दिया और वह जैसे हम अर्थी लेके गए मेरी दादी की, वह सारी चिड़ियाएँ उड़ गई और वह चपातियों के टुकड़े अगले दिन स्वीपर ने डस्टबिन में डाले। ये कहानी है और मुझे जहाँ तक लगता है आपको पसंद आई होगी, नहीं भी आई तो डिसलाइक कर देना, आई हो तो लाइक कर देना और हो सके तो प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि देखो कमेंट करोगे तो पता लगता है, आपके भाव पता लगते हैं, आपके जो सोच है आपकी पता लगती है। प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाल वाले बटन को दबाएं या उस पर रोटी का टुकड़ा फेंकें, ठीक है, लेकिन क्लिक होना चाहिए प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।